हे फॉक्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर फ्रेश डे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी एडवेंचर 390X पर एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट करने वाले हैं। अपडेट इन द सेंस, हम एक एक्सेसरी चेंज करने वाले हैं। एक्सेसरी चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये जो हमारा टॉप रैक है, ये हमने एक XYZ ब्रांड से मंगाया था, हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब हम इस पर टॉप बॉक्स बिठा रहे हैं और थोड़ा सा उसमें वेट 19-20 प्लस माइनस हो रहा है ना, ये जो रैक है ना इसका, इसको क्रैक्स आ रहे हैं। तो वाइल जब अमोल भाई ओनर है अपने इस एडवेंचर 390 के, ये गोवा से कन्याकुमारी गए थे, कन्याकुमारी जाते वक्त उनको 200-300 किलोमीटर का खराब पैच लगा था, तब ये फर्स्ट टाइम उनका ब्रेक हो गया था। तो उन्होंने जुगाड़ पे घर तक लाया, संभाजीनगर महाराष्ट्र तक लाया। उसके बाद में हमने MS में, एकदम हैवी ड्यूटी MS में, इफ़ द कैमरा कम्स क्लोज, ये देखो, ये पूरा MS में बनाया हमने। ये पाइप यूज़ किया है, ये 2 mm की थिकनेस में यूज़ किया है। प्लेट जो है नीचे की, ये भी हमने 2 mm की थिकनेस में यूज़ किया है। ये रॉ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसे एज पर द रिक्वायरमेंट यूज़ किया। अब उसमें क्या हुआ, ये जो बैंड है ये नहीं बन पाया, तो हमने यहाँ पे इसे हाइट बढ़ाने के लिए स्पेसर्स दिए। अब ये हो गया परमानेंट। और जब हम रिसेंटली अयोध्या जा रहे थे, तो जाते वक्त ही क्या हुआ, यहाँ पे जो वेल्डिंग है, वेट के वजह से बोलो या उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो सपोर्ट के वजह से क्या हो रहा है, इसके वेल्ड्स उखड़ जा रहे हैं। तो हमें पहले ऐसा डर था कि कहीं चेसिस पे इम्पैक्ट ना हो, बट फॉर्चुनेटली चेसिस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वेल्ड्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। और रिसेंटली एक ब्रांड है कॉल्ड मैड ओवर बाइक्स, उन्होंने एक प्रॉपर वेट मैनेजमेंट वाला और सपोर्ट सिस्टम वाला टॉप रैक डिज़ाइन किया है, वो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले से रिमूव कर लेंगे और उस टॉप रैक को अनबॉक्स करके इंस्टॉल करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। अरे बाप, तो ये मैडोर बाइक का लेजर कट का टॉप रैक का प्लेट है फॉर एडवेंचर 390। ये बैकरेस्ट ये उसके स्पेसर्स, और वो अमोल भाई उधर उसका नीचे का जो मैकेनिज्म है फिटिंग का, वो खोल रहे हैं। बताओ उनको अमोल भाई। तो ये जो मैकेनिज्म है कंपनी का, उस पे जाएगा वो सारा का सारा फिटिंग। ये है उसके सपोर्ट्स साइड वाले, चलो तू वाला कोड़ा चुके संतरा में, ये जाएगा इस प्रकार से, लाइक दिस। काइंडली इग्नोर द डस्ट, वॉशिंग सेंटर्स बंद थे सारे आसपास, पास पूरे बंद थे, हमारे सिटी में पानी खत्म हो गया। तो जो एक्स्ट्रा वाला एलन बोल्ट आ रहा है ना, मोटा वाला वो रिप्लेस करना है पुराने वाले। वो जो था पहला वाला, प्रीवियस वाला, वो रिमूव करने के बाद ग्रैब रेल्स बिठाना है। और ये मैड ओवर के साथ स्पेसर्स आ रहे हैं, ये स्पेसर्स भी इंस्टॉल करना है। तो ये जो स्पेसर्स है, इसे बारकाई से अगर ऑब्जर्व करोगे तो नीचे एक छोटा डाया है जो होल में जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाएगा। और ये स्लांट है, थोड़ा सा स्लोप है, तो इसको आपको इस तरीके से बिठाना है। नीचे की साइड जाएगी ग्रैब रेल में और स्लोप जाएगा पीछे के साइड। इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जो प्लेट है ये इस प्रकार से बैठनी चाहिए स्लोप की तरफ, हाँ जस्ट लाइक दैट, ये इस प्रकार से जाएगा। तो ये जो है, ये टॉप रैक का सपोर्ट है और ये जाएगा इस प्रकार से, ऐसा। तो ये क्या करेगा, अब जो पीछे के एंड पे जो आउट ऑफ द बॉडी जो वेट होता है टॉप बॉक्स का, उस पर जो वेट आ रहा है, इस रॉड के थ्रू ये इस जगह चेसिस में इसे ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर।
तो अगर आपका वेट भी कम ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप फास्ट हो, कोई पॉट होल आप हिट कर रहे हो, तो ये चेसिस में वेट ट्रांसफ़र होने की वजह से इसे क्रैक्स नहीं जाएंगे। तो चलो अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कंपनी का एक बोल्ट है थ्रेड लॉक के साथ, वो लगाएंगे। और ये जो छोटा सा एलन बोल्ट है ना, ये इसी के साथ आएगा, इसमें लगा हुआ आएगा रॉड के अंदर। ये है फाइनल फिटिंग पॉइंट नंबर 1, 2, ये यहाँ पर 3, और सेम ऑन दी अपोजिट साइड आप जाएगा इस पर टॉप बॉक्स। ये जो प्लेट है ये कौन से ब्रांड का है सर? टॉप बॉक्स वाले ब्रांड का है ना? कौन सा? हाँ, टॉप बॉक्स वाले ब्रांड। ये टॉप बॉक्स से साथ आया था प्लेट ऑलरेडी। तो सर हम अभी ये तीसरा चौथा हमारा प्लेट है, अभी इसको भी उड़ा के देखेंगे, अगर टूट गया तो आपको रिकमेंड करेंगे नहीं, अगर नहीं टूटा तो फिर चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा, फिर हम आपको बोलेंगे कि टूटा नहीं बोल के। लगा लो बोल के, लाओ टॉप बॉक्स लाओ। ये जाऊन आता एक चक्कर मारून, तुला समजून द्या आता, तू जाय।